जब तक ये मामला न्यायालय में लंबित है तब तक प्रतिमा के नीचे जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है उसमें गुर्जर शब्द पर प्रशासन द्वारा काले रंग की टेप लगा दी गई है। और कैथल के एसडीएम संजय कुमार ने दोनों समाज के लोगों से अपील की है कि आपस में भाईचारा बनाकर रखें और मिलजुल कर इस मामले का समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अगले आदेश तक इसी तरह ये टेप लगी रहेगी। देखिए, हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन थी, उस रिट पिटीशन के आदेशों के अनुपालना में जो है हमने गुर्जर शब्द जो है उसको टेप से कवर किया है। क्या क्या पार्ट गुर्जर ढका गया है? सिर्फ और सिर्फ गुर्जर शब्द को हमने ढका अभी, और इसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन का जो इशू है सभी साथियों से बैठ के और कुछ एक एडवोकेट्स को और विधिवेताओं को और बुला के इस मामले को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाए। नहीं, कोई विरोध नहीं है गुर्जर समाज का, गुर्जर समाज मेरे साथ ही खड़ा है। आप देख सकते हैं हमने टेप लगा के वो प्रतिहार सम्राट से पहले जो गुर्जर शब्द था उसको हमने कवर कर दिया। दोनों समुदाय से मेरा इतनी अपील है कि दोनों समुदाय जो हैं आपस में भाईचारा और शांति बनाए रखें, और ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं इन पे इतना विवाद नहीं होना चाहिए। इनके हमारे गुर्जर भाइयों के और हमारे राजपूत भाइयों के आधे से ज़्यादा गोत्र मिलते हैं, इनके सांझे गांव रहे हैं, सांझी संस्कृति है, तो इन दोनों कम्युनिटीज से मेरा अनुरोध है कि वो हर प्रकार से शांति बनाए रखें। यदि कोई आपस में वाद विवाद है तो वाद विवाद के रूप में होना चाहिए, किसी भी प्रकार से बलवा या दंगे की शक्ल में वो शामिल नहीं होना चाहिए। सर, कब तक कवर करके रखा जाएगा? देखिए, जब तक कोर्ट के आदेश हैं। जी, आपको बता दें कि कैथल में कुरुक्षेत्र रोड चौक पर लगाई गई सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर लिखे गए गुर्जर शब्द पर हाई कोर्ट के आदेशानुसार काली पट्टी चिपका दी गई है। राजपूत समाज को प्रतिमा पर गुर्जर शब्द लिखने पर एतराज था और मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट के आदेश पर ही अब गुर्जर शब्द को कवर किया गया है। पंजाब केसरी।